प्यारे दोस्तों, हमारे होनहार युवा पीढ़ी के नौजवान युवा और युवती, बेटी और बेटे, बहनों और भाइयों, आपका धन्यवाद करता हूँ, आपका खैर मकदम करता हूँ और आपसे मैं अनुरोध करता हूँ और ये उम्मीद भी करता हूँ कि आप हमारी भारत माता की सही संतान बनेंगे और हमेशा सत्य, न्याय, प्रेम, शांति, अहिंसा को अपने जीवन का लक्ष्य समझेंगे। ज्ञानवान, विचारवान, बुद्धिवान, बलवान, शक्तिवान बनेंगे। शरीर में अद्भुत शक्ति होगी, पत्थर सी हो मांसपेशियां, लोहे सी भूदंड है, नस नस में हो लहर राखी, तभी जवानी पाती है। तो प्यारे दोस्तों, इस तरह से अपने आप को आप एक सर्वशक्तिमान बनाएंगे और फिर मस्तिष्क को अनुशासित करते हुए, अपने विचारों को सुबुद्धि देते हुए इस देश का भविष्य का निर्धारण कर सकते हैं। हमारी युवा पीढ़ी की संख्या हमारे देश की आबादी के 135 करोड़ का 70% के आसपास है। आप हमारे भविष्य के सितारे हैं, सूरज और चांद हैं, इसलिए आपकी जिम्मेदारी बहुत ज्यादा होती है। लेकिन मैं बहुत दुख के साथ कहना चाहता हूँ कि आप लोग केवल अपने अपने क्षेत्र में ही सीमित रह जाते हैं। आप अपनी जागरूकता को, अपने ज्ञान को चतुर्दिक नहीं दिखाते और एक कुएं के मेढक बन के रह जाते हैं। बहुत तरह की प्रक्रियाएं चल रही हैं अपने देश में। मैं बहुत सारे युवक को पूछता हूँ, आर्टिकल 370 क्या है, CAA क्या है, तलाक तलाक क्या है, वो लोग नहीं जानते। लेकिन डिग्री तो उनको सारे बड़ी बड़ी डिग्रियां हैं, BA, BCOM, MA, MCOM और बहुत सारी डिग्रियां, इंजीनियर, डॉक्टर सभी हैं। इसका मतलब क्या है, एक मशीन है, जो उनका कार्य क्षेत्र है उसी के बारे में उनको जानकारी है। लेकिन देश का दिशा निर्धारण करना एक जागरूक नागरिक का उत्तरदायित्व होता है। इसीलिए हमारे युवा पीढ़ी के बेटी और बेटों, आप केवल किताबी कीड़ा नहीं बने, आप एक जागरूक, ज्ञानवान, विचारवान, शक्तिशाली, राष्ट्रवादी, एक देशभक्त की भावना से प्रेरित होते हुए अपने देश की दिशा को भी समझें और ये भी निर्धारित करें कि आपके देश को सही दिशा कौन दे सकता है। क्या वो जो भ्रष्ट है, जो राजनीति में इसीलिए है, जिसकी बुनियाद है जातिवाद, धर्मवाद, मजहबवाद, क्षेत्रवाद, और इसी आधार पर जिसने दशकों तक इस देश को कमजोर किया, विरासत में जो हमें आज़ादी मिली 1200 वर्षों तक, जो इस देश को लूटते रहे गद्दारों, लुटेरे, दारिंदे, दुष्ट, मुगल डेनिस्टी के साथ अंग्रेजी डेनिस्टी आया और हमारे हिंदुस्तान को ये लोग चूस चूस के नरकंकाल, अस्थि पंजर बना दिया। इसीलिए मेरे प्यारे बेटी और बेटों, बहनों और भाइयों, देश के युवा, आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने दिन मर्या की कार्य में लीन रहें, लेकिन थोड़ा सा समय निकाल के टेलीविजन पर न्यूज जरूर सुने, अखबार जरूर पढ़ें और अपने आप को संवेदनशील बनाए रहें। ऐसा अगर करेंगे तो कोई भी आपको बेवकूफ नहीं बना सकता, कोई भी आपकी देश की दिशा को अंधकार में ग्रहण नहीं लगा सकता। यही हमारी शुभकामना है अपने युवा पीढ़ी से। हमारे युवा ही देश के मेरुदंड हैं, स्तंभ हैं, जिस पर कि हमारी भारत की तिरंगा लहराएगी और भारत का दिशा निर्देश होगा। आपको मैं बिल्कुल जिम्मेदारी के साथ और शक्ति के साथ कहना चाहता हूँ कि आज हमारा भारतवर्ष महापुरुषों का जो एक सिलसिला चलता रहा है, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, लाल बाल पार और अनेक जैसे महापुरुष थे, उनकी श्रेणी में एक भारत का सपूत है नरेंद्र दामोदर भाई मोदी, उनके पद चिन्हों पर चलिए। इन महापुरुषों के पद चिन्ह हमें सचमुच राष्ट्र निर्माता बनाएगा और हम जो भी हमारी अंधविश्वास हैं, जाति, धर्म, नफरत, नाराजगी, सारे बंधनों को तोड़ के हम में आएगी राष्ट्रवाद, देशभक्ति,
सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका सहयोग, सभी लोग अपने अपने कार्य में लीन रहेंगे। हमारे विद्यालयों, महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों को राजनीति अखाड़ा नहीं बनाएंगे, देश को तोड़ने की बात नहीं करेंगे, परंतु जोड़ने की बात अवश्य करेंगे। हम जुड़ेंगे जब हम अपने अपने क्षेत्र में महारत हासिल करें। धन्यवाद करता हूँ और आपके लिए उज्जवल भविष्य की कामना और कल्पना भी करता हूँ। आपका जीवन मंगलमय हो, आपका हर क्षण हर पल प्रगतिशील हो, अनुशासित हो, ज्ञानवान विचारवान देशभक्ति के पथ पर चलते हुए भारत के नव निर्माण के लिए अपने जीवन को समर्पित कीजिए। यही हमारी युवा पीढ़ी।